पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, लेकिन ऑब्वियसली टीचर्स ने इतनी मेहनत की, इतने सपोर्टिव रहे कि मैं आपको बता नहीं सकती. और नॉट ओनली द टीचर्स, द होल स्टाफ. सर कामरान वॉज द कोऑर्डिनेटर देयर, सर टीका खान वॉज द कोऑर्डिनेटर. तो हर बंदा ना, मतलब एवरीबडी टेक देयर पार्ट. फिर ये नहीं था कि उन वो पार्ट प्ले किए जा रहे हैं, हम अपने एंड पे से कहें नहीं भाई हमने नहीं पढ़ना. जाहिर सी बात है, जब आपको इतनी जबरदस्त टीम मिलती है, जब एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड, तो आप भी फिर कहते हैं कि यार कुछ करना है, वो पैशन लेकर आना है. और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि अगर आप सीएसएस के एस्पायरेंट्स हैं तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए. जिंदगी में कभी भी कुछ करना है तो आपकी नीयत होनी चाहिए, आपका बिलीफ होना चाहिए अल्लाह सुभान व तआला पे कि मैं कर लूंगा. सिर्फ ये सीएसएस के एस्पायरेंट्स के लिए नहीं है, आप कुछ भी करना चाहते हैं. व्हेन यू हैव द राइट पीपल अराउंड यू, व्हेन यू हैव द पॉजिटिव पीपल अराउंड यू जो आपको बूस्ट अप करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं. और ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ यू डोंट हैव द राइट पीपल अराउंड यू, चेंज द पीपल अराउंड यू. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द पीपल. अगर कोई आपको कहता है कि आप अपना गोल नहीं कर सकते, लीव दैट पर्सन, लीव दैट पर्सन. Honestly speaking, strictly leave that person. नहीं चाहिए हमें नेगेटिविटी. नहीं है, पाकिस्तान में पहले इतनी नेगेटिविटी है, और कितनी नेगेटिविटी लेके फिरेंगे हम अपने साथ. Be the right person, not for only for your own self, but also for the people. आपके साथ लोग बैठे कहें कि यार ये कितना पॉजिटिव बंदा है, यार ये कुछ करना चाहता है, यार इसको देख के मुझे एनर्जी मिल रही है. क्या आपको एनर्जी मिल रही है मुझे देख के या नहीं मिल रही, बताएं. So why can't you be on my place? मैं मुझे कोई पर नहीं लगे हुए, मैं वैसी खाना खाती हूँ, मैं वैसी उठती हूँ, लाइक आई एम लाइक द सेम एज यू पीपल. बट मेरा बिलीफ है कि जिंदगी में सारी चीजों को पॉजिटिव से देखना है. और इसमें मैं किसी को भी नहीं कहूंगी, आप लोगों की भी गलती नहीं है. ऑब्वियसली द एनवायरमेंट दैट इन विच यू सर्वाइव, बेसिकली दैट क्रिएट्स अ कॉन्सेप्ट कि हर चीज गलत चल रही है, लाइट भी जा रही है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है. क्या किसी ने कवरेज ली मेरी आके या मेरी दोस्तों की आके, माशाल्लाह जिन्होंने टॉप किया? किसी ने नहीं ली. क्यों नहीं ली? क्या पॉजिटिव चीजें नहीं हो रही पाकिस्तान में? हो रही है या नहीं हो रही, आप बताएं मुझे. आप सारे क्या इसकी एग्जाम्पल नहीं है? इतने पढ़े लिखे माशाल्लाह ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ठीक है. तो बेसिकली जो चीज बेटर करती है वो आपका बिलीफ है, आपकी मेहनत है, आपके टीचर्स की मेहनत है. व्हेन द टीचर्स आर इन्वेस्टिंग टाइम ऑन यू, दे आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम. बिलीव मी, दे आर इन्वेस्टिंग देयर प्रेशियस टाइम. दुनिया भर में उस्ताद की इतनी इज्जत की जाती है, और हमारे यहाँ क्या होता है, उस्ताद को वन ऑफ द, जो हम कहते हैं कि यार अगर इंजीनियर नहीं बन सका, डॉक्टर नहीं बन सका, बायोलॉजिस्ट नहीं बन सका, फार्मेसी नहीं कर सका, यार उसको टीचर बना दो. ये हमारा स्टैंडर्ड है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये हमारा स्टैंडर्ड है. हम वो कौम है जो फेसबुक पे घंटे बैठे रहेंगे, घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे, किसी की मदद करने की बारी आएगी घर में चुप करके आराम से बैठे. ऐसे हैं हम या नहीं है? और ऑनेस्टली आप लोगों की तरफ इशारा नहीं कर रही, मैं शामिल हूं इसमें, मैं हिस्सा हूं इस पूरी इन्वायरमेंट का. आई एम द सेम बीइंग एज यू पीपल. सो व्हाई कांट वी बी पॉजिटिव इन लाइफ? क्या हम पॉजिटिव नहीं हो सकते? क्या आप कोई छोटे से प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट कर सकते? क्या आपके घर में कोई मेड नहीं आ सकती जिसके बच्चे की फीस आप नहीं दे सकते? हर बंदा अपने एंड पे कोई पॉजिटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, बताएं मुझे. कर सकते हैं. ये जिंदगी में मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, मेरी जिंदगी में जिन चीजों ने रोल प्ले किया है वो मेरे साथ प्रेयर्स है लोगों की. मेरी मेहनत बहुत कंपेरेटिवली कम है उससे, लेकिन आई हैव ऑलवेज बीन अ सोशल वर्कर. आई हैव ऑलवेज हैड द स्पिरिट लोगों के लिए कुछ करना है. और पाकिस्तान में बड़ा जज्बा है, लेकिन वो बेचारे उनको ना, उनको मोटिवेट ही नहीं करता कोई. वो बेचारे पता है नेगेटिविटी में आधे लोग, अभी आपको पता है, मैं बताती हूँ आपको, आधे लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने सीएसएस के पिछले साल पेपर इसलिए नहीं दिए, दोस्त ने कहा था यार तेरी तैयारी नहीं है, यार तू अभी देर है, पागल है, तेरी तो तैयारी नहीं है यार. ऐसा ही है ना, आधे लोगों ने, आधे लोगों को घर वालों ने कहा यार तुम नहीं दे सकते, आधे लोगों को फैमिली ने कहा तुम नहीं दे सकते, आधे लोगों को दोस्तों यार तू पागल है, तुझे पता है सीएसएस में कितना पढ़ना पड़ता है, पागल है यार क्यों दे रहे हैं. ऐसा है कि नहीं है? बिलीव नहीं, बताए मुझे किस किस को ये कहा गया. रेज योर हैंड यार, इंटरेक्ट तो करो ना, मैं अकेली दीवारों से बातें तो नहीं कर रही ना. ऐसा है या नहीं है? आप जब भी कुछ अच्छा करने
जाते ना, बिलीव मी 100 पीपल वुड बी ऑन द साइड यार, ये पाकिस्तान चेंज करेगा। मुझे लोग पता है फेसबुक पे क्या कह रहे हैं, ये क्या कर लेगी यार, और मैंने सारे कॉमेंट्स देखे जहां जहां पिक्चर मेरी लगी हुई थी, मुझे ये क्या कर लेगी यार, यहाँ के तो हालात इतने खराब है। जब अल्लाह ताला यहां तक ला सकते हैं ना, तो वो आगे भी लेके जा सकते हैं। जब आपकी नीयत अच्छी है ना, जब आपको पैशन है यार, मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है, तो वहां की कुछ करना है। किसी ने तो सीक्रेट बुक पढ़ी है यहाँ पे, किसी ने तो मैजिक बुक पढ़ी है यहाँ पे, कोई हाथ नहीं उठा, हाथ उठाए क्यों नहीं उठे, क्योंकि हमारा काम है फेसबुक करना फटाफट यार, जिम खाना बैठे, चाय खाना बैठे, जल्दी से पिक्चर लगाया। जो कौन इसी में फंसी रहेगी कि यार मैं KFC में बैठा बर्गर खा रहा हूँ, वो कैसे आगे बढ़ेगी? जिस कौम ने किताबों को छोड़ दिया वो कौम के आगे जा सकती है? कभी भी नहीं जा सकती। जिस कौम ने टीचर्स की इज्जत छोड़ दी वो कभी आगे जा सकती है? नेवर। गिव मी वन एग्जाम्पल, कोई भी यहाँ पे हाथ खड़ा करे, एक एग्जाम्पल दे दे, एक ऐसी कौम की एग्जाम्पल जो बगैर किताबों के आगे बढ़ी हो, जो बगैर अपने टीचर्स की इज्जत के आगे बढ़ी हो। हम पता कैसे लोग हैं यार, वो टीचर तो कुछ पढ़ाते नहीं, उसको पढ़ाने ही नहीं आता यार, ऐसा है या नहीं है बताए? अल्लाह ने उसको रुतबा दिया यार, आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? पढ़ना तो वैसे ही हमने कुछ नहीं होता, टीचर आया यार ये क्या करा रहे हैं यार, ये तो मैं पहले ही आता है यार, छोड़ो क्लास, छोड़ो यार चलते यार। ये हम हैं, आप लोग नहीं सारे, मैं भी इसमें शामिल हूं, लेकिन बिलीव मी ये चीजें नहीं मैटर करती। किताबें पढ़े, कोई नहीं पढ़ता हमें से। अभी देखे मैं 2-3 किताबों के नाम लूंगी, बड़ी मशहूर किताबें, किसी ने नहीं पढ़ी होंगी शायद, अल्केमिस्ट पढ़ी है किसी ने? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 40 रूल्स ऑफ लव पढ़ी है किसी ने? जबरदस्त। व्हाई नेशन फेल पढ़ी है किसी ने? जबरदस्त। व्हाई नेशन फेल में क्या होता है? बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा व्हाई नेशन फेल पढ़ी, कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन पढ़ी किसी ने? जबरदस्त। दो लोगों ने हाथ उठाया, क्यों नहीं पढ़ते हम, क्यों हमारी लाइब्रेरीज खाली हो गई है बताए मुझे प्लीज, मुझे आंसर चाहिए आज आप लोगों से। पढ़ना सिर्फ ये नहीं होता कि यार मोटिवेशनल स्पीकर आए हैं जल्दी से जाके सुन लूं, CSS की टिप्स दे देगा, ट्रिक्स बता देगा, मैं पास होके इसी लग गया, बात खत्म यार, अब तो जिंदगी आसान। ऐसे नहीं होता। मिल भी गई तो वो सेटिस्फेक्शन कहां से आएगी? सेटिस्फेक्शन बड़ी जरूरी है जिंदगी में। कौन कौन अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड हो, से लगता है यार मैं अपना ड्रीम पूरा कर रहा हूं? किस किस को लगता है कि यार मैं सही जा रहा हूं, मतलब कि मेरा दिल सेटिस्फाइड है, मैं जिस मकसद के लिए बनाया गया हूं मैं सही जा रहा हूं? बहुत कम लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम इतनी फेकनेस पे फंसे हुए हैं ना कि हम ओरिजिनलिटी की तरफ, जेन्युइननेस की तरफ आई नहीं रहे, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ। आपको सिर्फ टारगेट नहीं करी, अपने आप को भी टारगेट कर रही, हम ओरिजिनलिटी जेन्युइननेस से दूर, ऐसा है या नहीं है बताए मुझे यार, मुझे लग रहा है मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ, वो पिलर्स बैठे हैं सारे के सारे और मैं बस लगी हुई हूँ, अपनी गर्दन तो हिलाएंगे, मुट्ठी तो हिल सकती है, हाँ या ना, ठीक है, हो सकता है आप मेरे साथ डिसएग्री करें मेरे साथ, मुझे बड़ी खुशी होगी, लेकिन कोई डिसएग्री करेगा ही नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है। फेसबुक पे स्टॉकिंग हमारी इतनी जबरदस्त है और बाकी हमारी चीजें इतनी जबरदस्त है, इंस्टा पे हम बंदे का नाम बस पिक्चर पता चल जाए, उसकी नाम शाम हमें पता चल जाएगा खुद ही, छोड़ो यार, क्योंकि हम ओरिजिनलिटी से इतना दूर हैं। अब मैं ये नहीं कह रही आपको कट के रह जाए फेसबुक से, इंस्टा ना यूज करें, लेकिन बी ओरिजिनल इन योर लाइफ एंड दैट ओरिजिनलिटी कम्स फ्रॉम योर स्पिरिट।